गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे ही हैं, क्योंकि अभी अभी ड्यूटी खत्म हुए हैं तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं। और एग्जाम जब खत्म हुए तो हमको हर जगह ऐसा लगता है कि अब हम पूरा एंजॉय ही एंजॉय करें। एंजॉय करने में बहुत सारी चीजें आती है आपके, जैसे घूमने जाना, घर पे टीवी देखना, मोबाइल में गेम खेलना, इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे काम करना जिससे हमको बहुत ही मजा आए। इसमें सबसे ज्यादा आज के लोगों में ये कॉमन बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप लोग भी कुछ कुछ बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, ताकि उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको पढ़ के आपको बहुत मजा भी आए और आपकी नई हॉबी भी क्रिएट हो। बुक्स पढ़ने से हमारे मन में नई चेतना जागृत होती है। तो एक आपकी उम्र का लड़का था रोहन, उसका नाम क्या था? रोहन। उसकी हंसी खो गई। आज हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, लेसन का नाम है लेसन फोर, हंसी खो गई। हंसी मतलब स्माइल, मुस्कुराहट। उसकी हंसी खो गई, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ उसकी कहानी क्या है, तो आपको बहुत ही मजा आएगा और उससे क्या हम सीखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक रोहन नाम का लड़का है, आपकी बराबर का है, उसको रीडिंग का बड़ा शौक था। वो किताबें पढ़ता था। किताब को हिंदी में एक और वर्ड है पुस्तक। क्या वर्ड है? पुस्तक। वो पुस्तकें पढ़ने का उसको शौक था। एक दिन वो चुटकुले पढ़ रहा था, चुटकुले ना चुटकुला लिखा नहीं, चुटकुला पढ़ रहा था। चुटकुला मतलब जोक्स। जोक्स उसको इतनी अच्छी लगी कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। लोटपोट हो जाना मतलब हंसते हंसते बहुत ज्यादा हंसी आना। उसको इतनी हंसी आई, बहुत ज्यादा हंसी आई, और वो बिस्तर पर पलंग पर बैठ के किताबें पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, चुटकुले पढ़ रहा था, तो पलंग पर भी वो कलाबाजियां करने लगा। कलाबाजियां करना, जैसे आप लोग गुलाटी खाते हो पलंग पे, ऊपर नीचे ऐसे गोल गोल करके, वैसे ही वो रोहन करने लगा, कलाबाजियां करने लगा। वो करते करते क्या हुआ कि वो बिस्तर से नीचे गिर गया। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप गुलाटी खाते हैं और गुलाटी खाते खाते क्या होता है कि आप नीचे गिर जाते हैं। तो रोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो बिस्तर से नीचे गिर गया। बिस्तर से नीचे गिरा तो थोड़ी देर में उसको थोड़ी चोट आई। चोट आने पर उसको थोड़ा लगा और बिस्तर के थोड़ा उठा तो उसके एकदम सामने शीशा, शीशा मतलब शीशा आईना, मिरर कांच था। उसने कांच में अपने आप को देखा तो उसको लगा कि उसके चेहरे पर तो हंसी ही नहीं है। उसकी हंसी गायब हो गई, उसकी हंसी गायब हो गई, गुम हो गई। अब वो बहुत ही परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मेरी तो हंसी ही हो गई। अब वो हंसी को ढूंढने लगा। उस कमरे में जो जो चीजें थी, जहां वो कमरे में बैठा हुआ था, जो जो चीजें थी सारी जगह वो ढूंढने लगा। जैसे हमारी कोई चीज खो जाती है, हम सब जगह, आपकी ज्यादातर पेन पेंसिल या कोई टॉय खो जाता है तो आप सब जगह ढूंढते हैं, वैसे वो अपनी हंसी को ढूंढ रहा था। बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे, टेबल के ऊपर, फिर उसके कमरे में एक अलमारी थी, अलमारी को उसने ऐसे खोला और देखा कि यहाँ कहीं मेरी हंसी है, वहां भी उसको नहीं मिली। फिर वो घर के आंगन में, जो बालकनी थी वहां गया, वहां देखा, इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा, सब जगह उसने देखा, लेकिन वहां भी उसको हंसी नहीं। वहां उनकी बालकनी के अंदर आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। वहां अमरूद के पेड़ पर तोते आते थे और तोते कच्चे कच्चे अमरूद खाते थे। वो हमेशा रोज बालकनी में जाकर, आंगन में जाकर उन तोतों के साथ बातें कर रहा था, करता रहता था। तो उसको आज के दिन उसकी हंसी खो गई थी, तो उन तोतों से बातें
उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी से बात क्या करूं, मुझे तो हंसी ही नहीं आई, मेरी तो हंसी ही गायब हो गई है। वो बहुत ही उदास हो गया, बहुत सैड हो गया, हाय राम मेरी हंसी कहाँ चली गई। थोड़ी देर में डोर बेल बजी, दरवाजे पर घंटी बजी, उसने जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही उसकी मम्मी जो बाजार गई थी वो बाजार से वापस आई। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो, आज तुमको क्या हो गया है? तो उसने क्या जवाब दिया कि माँ माँ मेरी हंसी गुम हो गई है, मेरी हंसी कहीं चली गई है। तो उसकी माँ ने कहा तुमने क्या किया? उसने बताया मैं जोक्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत हंसी आई तो मैं पलंग से नीचे गिर गया, तो मेरी हंसी जो है पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसकी मम्मी ने, वो छोटा ही बच्चा था आपकी तरह, तो उसकी मम्मी ने उसको गोदी में उठाया, अपने सीने से लगा लिया, सीने से चिपटा लिया, दो चार बार प्यार किया उसको, बहुत किया प्यारी की, और थोड़ी सी उसके पेट में, उसके गले में ऐसे ऐसे किया, पेट में ऐसे ऐसे किया, गुदगुदी की, उसकी मम्मी ने उसको गुलगुली किया, तो उसकी हंसी वापस आ गई गुदगुदी करने से और मम्मी के प्यार करने से। वो बहुत सब जगह ढूंढ रहा था लेकिन मम्मी ने उसको थोड़ा सा ही प्यार किया और उसकी हंसी वापस आ गई। हंसी जब वापस आई वो बहुत हंसा और जोर जोर से बोलने लगा, मिल गई मेरी हंसी वापस, मिल गई मेरी हंसी वापस मिल गई। तो ये जो हमारा लेसन 4 है यही है कि हंसी जब गुम जाती है तो उस हंसी को हम सब जगह ढूंढते रहते हैं लेकिन नहीं मिलती। एट लास्ट हम अपनी मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी के पास हर चीज का सलूशन होता है। तो रोहन का भी की हंसी भी उसकी मम्मी को ही मम्मी के प्यार करने पर मिली, मम्मी ने उसे हग किया, प्यार किया, उसके पेट में गुदगुदी की तो उसको वापस हंसी आई और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, उसकी हंसी वापस मिल गई। तो ये लेसन यही है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अपनी माँ को रेस्पेक्ट देना है, माँ को रेस्पेक्ट करेंगे, अपनी मम्मी का हमेशा सम्मान करना है, उनको कभी दुखी नहीं करना है, क्योंकि हमारी हर चीज का समाधान, हर समस्या का समाधान माँ ही होती है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पीरियड में हम इसको अच्छे से टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।